एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि पेरेंट्स हमारे साथ रहें। इनफैक्ट मेरे अंदर तो काफी टाइम से गिल्ट भी इस बात का कि मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। यही तो मौका है ना गिल्ट से बाहर निकलने का। यार तुम पहली लड़की हो जो अपने इन-लॉज के साथ रहने के लिए मर रही है। बेटा क्रिश्चियन लड़की को भगा के ले आया और अब उसको ढूंढ के मारने आए हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। कितना ब्रॉड माइंडेड? दारू पी लेते हो? अम्मी जी आप इतनी इंटेलिजेंट लेडी हो, आपको तो वर्ल्ड फिल्म्स देखने चाहिए। नोआ फिल्म्स, ब्लॉक फिल्म्स, यू नो इंटेलिजेंट तो हम है। आर यू इंसल्टिंग मी? या अंकल आंटी के साथ रहते हुए उनको कहाँ अपना इंटरनेट स्पेस मिलता होगा। हम म्यूजिक चला के कर लेते हैं। हम कैसे यहाँ बस हर संडे को बिना नहाए पड़े रहते थे। अच्छे दिन थे, नॉस्टैल्जिया बन गए। ये सपना तुम्हें हमारी बहू सिखा रही है। कभी तुमने देखा है अपने बाप को किसी औरत के सामने सर झुकाते हुए? गर्दन नीचे करी जी। आजकल तुम्हारे बॉलीवुड वाले देशभक्ति की बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा भी बहुत करते हैं। मनीष हमने ऑलरेडी एक आदमी को मार डाला है। टू इज गोना मेक इट लुक लाइक हमें मजा आ रहा है। बहुत ही खराब है मर्दों का ये वाला बैच। इजी वो बिकॉज़ आई एम वेरी गुड एट वेकिंग अप पीपल। नेवर हैव आई एवर मैं खेत में गद्दे लेकर गई। कहीं देखने को मिलता है, हमारे गांव में नहीं होता ये। आई एम अ फेमिनिस्ट ओके। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनके नहीं रह सकती, मैं किसी की बहू भी तो बनना चाहती हूं ना। अनीश डोंट वरी, इट्स गोना बी अमेजिंग। इट्स गोना बी वेरी 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 कमिंग दिस समर ऑन योर फेस।